हेलो भाई। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम दवाई डाल रहे थे, और आज सुबह हम सुबह 7 बजे के आए हुए हैं और 10 बज चुकी है इस मोटर को चालू करने के लिए, और पूरी मेहनत लगा दी है। और प्रॉब्लम ये आई थी कि पानी के अंदर एक जॉइंट, जरा सा एक जॉइंट कच्चा हो गया था, तो वो ऑटो स्विच गिरा रही है और पचा रही है, तो उसको बड़ी मुश्किल से अभी डिटेक्ट किया है। अब ये मोटर चालू हुई है, अब वो भैया वहाँ पानी पीने गया है, वो दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। वो दिख रहा है लड़का, ये वो पानी देने गया है वहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या सीन बनेगा। अब हम जा रहे हैं घर इसको ठीक करने के बाद। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले स्प्रे में क्या क्या डालना है, वो चीज़ें मैं आपको बता चुका था, लेकिन अगर किसी किसान भाई को देखना है तो वो यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है मूंग में पहला स्प्रे करके, उसकी वीडियो का वो है। अगर आप डालेंगे यूट्यूब पर, सर्च भी करेंगे मूंग में पहला स्प्रे, तो आपको मिल जाएगी। और फेसबुक पेज पर भी वो मूंग में पहला स्प्रे करके आएगी, तो आप उसको देख सकते हैं और आप अपने खेत में वैसी दवाइयाँ डाल सकते हैं, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब बाकी अब अगला काम करने के लिए जाएंगे, अभी खाना खा के आएंगे, फिर कुछ खेत थोड़ा सा बोना रह गया है, उसकी बोनी कंप्लीट करेंगे। एक एलईडी कल लगाई थी तो कल 6 घंटे भी नहीं चल पाई, अभी डबल से उसको चेंज करी है, और उसका भी हम आपको पूरा फिटमेंट बताएंगे पीछे स्प्रे के लिए, रात में चलाने के लिए। तो जब तक आप हमारी चैनल देखते रहें। तो शाम का सीन ये है कि मीडियम दो में चलानू है, मीडियम दो में, और 1000 से ऊपर, दो डंडा ऊपर रेस। मैं ट्रैक्टर चलाने का चक्कर में बताता हूँ, ये जो है तो ये पीछे इसमें क्या हुआ, हमने फिटमेंट डाला है लाइट वाला, पहले अगर चालू तो हो जाए है, वो प्रेशर नहीं बनाई गया सामने, ये देखो इसमें बताता हूँ। हाँ आप जान दे, ये शाम के टाइम में आप देख सकते हो वो वायर फंस रो, मैं वो देखो वो ऊपर वो डंडा पर एक वायर लगे ले। तो ये इसके ऊपर एक, ये जो लाइट जल रहा है, ये इसका फिटमेंट अभी हमने किया, क्लियर ही नहीं हो रहा। अब सोचा ही था कि सब काम सेट हो गया है, तो यहाँ से पाइप खोल दिया मोटर ने, ये मोटर है। अरे देवा कितना पचाएगा रे, ऐसा लग रहा है कि सब पूरी आफत इधर ही आने वाली। यहाँ से पाइप में जॉइंट सरका दिया, पता नहीं क्या हुआ, अब वो खोदने गए, बहुत आफत है यार। पूरे 2 घंटे पचने के बाद ये लगाया गया है, इसको बोलते हैं रिटर्न बॉल। और इसी में एक सिस्टम ये रहता है कि यहाँ से इसको खोल दो तो ये एयर बॉल भी बन जाता है, यहाँ एक नट है जिससे नीचे लीकेज जाती है, यहाँ से पानी निकलता है। तो अपने को तो उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस वही है कि वो पाइप जो बिठा दिया था वहाँ पे, दिख रहा होगा ये अभी भी खोद रहे हैं, पूरा एक बार का पूरा पानी ख़राब हो गया, मतलब आज का पूरा दिन ख़राब हो गया। तो इसके लिए कस रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं आए, इसके नदी से ऊपर चढ़ाने में आफत होती है। शाम के टाइम में दवाई डालने जा रहे हैं, और ये ट्रैक्टर जो है ये पूरा ऊंचा हो जाता है क्योंकि पीछे जो है वजन ज़्यादा, तो अभी मैं इसके ऊपर सामने बैठूंगा। वो देखो अगले चक्के, देखो अगले वाले बिल्कुल हवा में,
रामे धीरे धीरे, वो देखो वो देखो वो देखो, बज गया बज गया। तो ऐसे जाना पड़ता है दवाई डालने के लिए। अब पहुंचते हैं खेत में, फिर आपको बताते हैं कि खेत में क्या स्थिति है मूंग की, उस पर चर्चा करेंगे।